कल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने फैंस से अपने घंटों बातें की ट्विटर स्पेस पे। ऐसे में फैंस को मौका मिला स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछने का, सीधे सवाल पूछने का, कोई बीच में किसी का जरिया नहीं। जो सवाल थे उसके रुबीना ने और अभिनव ने बहुत जितना भी टाइम था उसमें सही से जवाब दिया। आपको बता दूं कि अभिनव शुक्ला ने एक इस सीज़न में एक बार जिक्र किया था घर के अंदर के सिद्धार्थ को हमेशा, सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला को हमेशा आसिम रियाज पोक किया करते थे। इस बात के बाद उन्हें ट्रोल किया गया था और बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया गया था, यहाँ तक कि गालियाँ यूज़ की गई थी उस ट्रेंड को, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो। ऐसे में अब अभिनव शुक्ला का उस पर रिएक्शन आया है। जी हाँ, क्या है पूरी बात आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं हुशायस्ता और आप देख रहे हो फीफा फूज। तो दरअसल अभिनव शुक्ला से जब एक फैन ने पूछा कि इस तरह के जो वारदात होते हैं, कि मतलब जब फैंस गुस्सा होते हैं, जैसे कि आसिम रियाज के फैंस भड़क गए थे जब अभिनव ने ये बात सीजन 14 में कही कि आसिम पोक किया करते थे अक्सर सिद्धार्थ को, तो फैंस अगले दिन भड़के आसिम के और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब फाइनली जब अभिनव ने से पूछा गया तो अभिनव ने कहा, इट्स एक्चुअली अ शो अबाउट हाउ वेल यू हैंडल ह्यूमिलिएशन एंड आई हैव हैंडल इट सो वेल दैट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स डोंट अफेक्ट मी। आई नो इट्स अ क्लीशे बट आई हैव लिटरली लर्न हाउ टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। तो साफ तौर पर उन्होंने, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब आप घर के अंदर रहते हो, और ख़ास तौर पर अभिनव शुक्ला की अगर बात की जाए, तो कुछ देर पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरह से उनको बहुत ज़्यादा नीचा गिराया गया था ऑलरेडी रुबीना के दम पे आने वाले, रुबीना नहीं होती तो ऐसा होता वैसा होता, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अभिनव को बोली गई थी। और शायद इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन की बात नहीं हो सकती किसी के लिए भी, लेकिन इस चीज़ को भी अभिनव ने बहुत स्पॉटिंगली लिया। और अब जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो किसी भी नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, उन्हें पता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री के पार्ट एंड पार्सल हो तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो उस चीज़ को जो है अभिनव ने कहा कि किस तरह से किसी भी फेस का दो साइड होता है, एक ब्राइटर और एक डार्कर साइड, तो उन्हें पता है कि उस डार्कर फेज में भी ब्राइटर साइड को कैसे चुनना है। वेल, आपको कहीं ना कहीं अभिनव ने ये बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बात कही है। वेल, आपको ये अभिनव की बात कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।